10 साल 10 कमाल सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने विश्व के हर कोने में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है कि अब भारत की टीमें आ चुकी हैं, तो हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना है। चाहे महामारी हो, युद्ध हो या कोई और अन्य संकट हो, जब भी विदेश में फंसे भारतीयों पर संकट आया है तब मोदी सरकार ने उनकी सकुशल घर वापसी सुनिश्चित की है। अप्रैल 2024 ईरान द्वारा गिरफ्तार किए गए मालवाहक जहाज के 17 भारतीय कर्मियों की रिहाई मोदी सरकार के प्रयासों से हुई संभव। फरवरी 2024 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को करवाया रिहा। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को न सिर्फ फांसी की सजा से मुक्त करवाया बल्कि उनकी सुरक्षित भारत वापसी भी करवाई। अक्टूबर 2023 ऑपरेशन अजय, इसराइल और हमास युद्ध में फंसे 1200 प्रवासी भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी करवाई गई थी। अप्रैल 2023 ऑपरेशन कावेरी, सूडान में चल रहे भीषण युद्ध के बीच 3862 भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया गया था। साल 2022 ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन रूस युद्ध में फंसे 22,000 भारतीय छात्रों को सुरक्षित भारत वापसी करवाई गई थी। साल 2021 ऑपरेशन देवी शक्ति, युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से 669 प्रवासियों को सुरक्षित भारत लाया गया था। वंदे भारत मिशन साल 2020, कोरोना महामारी में विदेशों में फंसे 61,00,000 प्रवासी भारतीयों को सकुशल स्वदेश वापस लाया गया था। साल 2019 अभिनंदन की वापसी, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान से सुरक्षित भारत लाया गया। साल 2016 ऑपरेशन संकट मोचन, साउथ सूडान में फंसे 600 भारतीय नागरिकों को सकुशल भारत वापस लाया गया था। साल 2015 ऑपरेशन राहत, यमन में छिड़े गृह युद्ध के बीच 4,640 भारतीयों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। पिछले 10 वर्षों में और भी ऐसे कई मिशन हुए हैं जब मोदी सरकार हर तरह का जोखिम उठाकर संकट में फंसे भारतीयों को सकुशल वापस भारत लाई है। 10 सालों में 10 क्षेत्रों में हुए अभूतपूर्व कार्यों में ये था विदेशों में बसे भारत के सफल रेस्क्यू का कमाल। 10 साल 10 कमाल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।